अकोड़ा में 1101 कलशों के साथ निकली भव्य कलश यात्रा। कलश यात्रा में 3000 से अधिक श्रद्धालु रहे मौजूद। भिंड अकोड़ा नगर परिषद में बड़ी जग्गा मंदिर पर 15 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया। 20 जून सोमवार की रोज यह कलश यात्रा नगर में निकाली गई, जिसमें 3000 से अधिक श्रद्धालु रहे मौजूद। 1101 कलशों की यात्रा मंदिर से प्रारंभ होते हुए गांव के विभिन्न मार्गों से निकलते हुए अपने कर्तव्य स्थान पर पहुंची। श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन संत श्री श्री 1008 राधे राधे बाबा महाराज के सानिध्य में बड़ी जग्गा मंदिर पर की जा रही है, जहां कथा शास्त्री ने विधि विधान से कलशों के स्थापित कर पूजन कराते हुए संगीत में भागवत कथा के प्रवचन श्रद्धालुओं को सुनाए। आज जो मेरी राम कथा और भागवत कथा का आयोजन हुआ है, इतने दिनों तक हमारी ये जो अकोड़ा नगर में आज भागवत कथा की कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस कलश यात्रा में 1100 कलश लेकर के माताएं बहने भ्रमण किया पूरे नगर का। जितने भी मंदिर थे सब मंदिर में देवी देवताओं से आह्वान किया गया कथा श्रवण के लिए। ये कथा भागवत कथा तो होगी, साथ में रामचरितमानस का भी आयोजन किया जाएगा। रामचरितमानस रात में 8 से 10 बजे तक चलेगी और भागवत कथा समय दोपहर 11 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक आयोजन किया जाएगा। समय क्या रहा? 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। दोपहर 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक कथा का आयोजन किया जाएगा। सभी ग्रामवासियों से क्षेत्रवासियों से विनम्र आग्रह है कि इस कथा का श्रवण कर लाभ ग्रहण करें। इस कथा में जो महानुभाव विराजमान है माता जी विराजमान है अपनी वाणी को मंदिर के महान थे। बड़ी जगह पर जो है मूर्तियों की स्थापना की गई थी। ये आयोजन पिछले 10 दिन से लगातार चल रहा है। लक्ष्मण दास महाराज इसके परिचित है और कथावाचक जो श्रवण कराएंगे वो राधे राधे महाराज धर्मोई अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुत अच्छे वक्ता हैं। बहुत अच्छी कथा होने जा रही है। जनता और समस्त क्षेत्रवासियों से समस्त जातियों के लोगों से समस्त मानव जाति से अनुरोध करते हैं कि इस कथा का श्रवण कर अधिक से अधिक लाभ उठाएं। भीड़ से आकाश कुमार की रिपोर्ट।